अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं स्पेशल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने के लिए हाजिर हुए हैं। तो टॉपिक जो है उसको शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है, इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सूर्य कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर लें और उसके साथ बेल का आइकन उसे भी प्रेस कर लें। उससे ये होगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाएगा और आप हेल्थ के हवाले से जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट जो नॉलेज है जो इलम है उससे मुस्तफ़ीद आप होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक जो है वो कमर दर्द, कमर दर्द के हवाले से। आजकल के माशरे में हमारे बहुत सारे लोग परेशान हैं, ख़ासतौर पे हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ख़ासतौर पर ये मसला अगर पेश होता है कि वो कमर दर्द के हवाले से इलाज के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, बहुत सारे महंगे महंगे इलाज करवाते हैं, महंगे महंगे टेबलेट्स खाते हैं लेकिन उनको कोई इफाका नहीं होता। तो जिनमें शामिल है एलोपैथिक में आम कॉमन सी डाइक्लोफेनिक सोडियम है और इसके अलावा डाइक्लोफेनिक पोटाशियम है, इसके अलावा एस्क्लोफेनिक सोडियम है और इसके अलावा सेमिरोल है, ल्यूपिरोल फोर्ट है और बहुत सारी पेन किलर्स ऐसी हैं जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लोजन भी है, फ्लोजन कैप्सूल भी है, फ्लोजन इंजेक्शन भी हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम जब तक इस्तेमाल करते रहते हैं तब तक में उसका फ़ायदा होता है, लेकिन जब हम उनका इस्तेमाल छोड़ देते हैं तो फिर से हमारी वही पोजीशन हो जाती है, वही सिचुएशन हो जाती है, इससे यानी कि हम बहुत सारी मेडिसिन का आदि हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कोई इलाज तो ना हुआ, इलाज तो वो होना चाहिए कि अगर आपने प्रॉपर इलाज एक मरतबा करवा लिया तो ज़िंदगी में दोबारा आपको उस मसले को फेस करना ना पड़े। तो इसकी वजह ये होती है कि हम इलाज करवाते हैं केमिकल वाली मेडिसिन से, एलोपैथिक मेडिकल साइंस में जो मेडिसिन जो तैयार की जाती हैं, एलोपैथिक मेडिकल फिलोसफी के साथ जो मेडिसिन तैयार की जाती हैं उनका इस्तेमाल जो मेदरे करते हैं उनका बहुत सारे हमको साइड इफेक्ट होते हैं, मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो जाता है। हम एक मसला ठीक करने के लिए मेडिसिन खाते हैं तो हमें वो एक मसला भी ठीक हुआ होता नहीं है, तो फिर हमें 8-10 न्यू मसाइल और दरपेश होते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसका जो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि भाई हम जो नुस्खा आपके साथ डिस्कस करें आप उसको इस्तेमाल करें और उसके इस्तेमाल से आपको खातर खा फ़ायदा हो और आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। मेरी आज तक जितनी भी प्रैक्टिस है वो एलोपैथिक मेडिकल साइंस में है, एलोपैथिक मेडिसिन में है, लेकिन दोस्तों मैं आप सब दोस्तों को एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करने से मना ही करूँगा। आपने शायद मुशाहदा किया हो तो बहुत सारे डॉक्टर साहिबान ऐसे होते हैं जो खुद बीमार हो जाएं तो वो किसी देसी नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, देसी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, किसी हकीम साहब के पास वो तशरीफ लेके जाते हैं, उनको पता है कि हम जो मेडिसिन लोगों को दे रहे हैं, हमने जिस मेडिसिन का नॉलेज हासिल किया है, डिग्री हासिल की है, वो इंसानी सेहत के लिए किस कदर हार्मफुल है, नुकसानदेह है। तो इसलिए जो नेचुरल है उसकी तो क्या ही बात है, उसकी तो क्या ही कहने। तो नेचुरल चीज़ जो है उसका जो असर है वो भी देर पा होता है और उसका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं होता, और जो आर्टिफिशियल या एलोपैथिक या इसके अलावा और भी जो जो मेडिकल फिलोसफी हैं जिनमें मुश्किल आराम नहीं हासिल होता तो उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, वो फौरन उनका रिजल्ट तो आ जाता है लेकिन उनका जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि जो देसी चीज़ें हैं, हर्बल चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे अगर हम इलाज करेंगे तो उनका रिजल्ट हमें फ़ौरन नहीं आएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, अगर हमें हर्बल चीज़ों का जो नुस्खा है उसकी जो तरतीब है वो अगर हमें बनानी आती हो या कोई हमारे इस पास ऐसा कोई माहिर हो इस चीज़ का जिसे नुस्खा बनाना आता हो तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ऑलरेडी पहले बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं बिला तखीर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, नुस्खा जो है वो नोट फरमा लें, 100 ग्राम खशखास के बीज यानी खशखास के दाने, 100 ग्राम खशखास के बीज या खशखास के दाने और 100 ग्राम मिश्री, कूजा मिश्री भी जिसे बोलते हैं, तो इन
दोनों को यानी कि हम वजन बराबर वजन ले लें और इनको पीसें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें, या वो जो चट्टू होता है हावन दस्ता जिसे बोलते हैं उसमें इसको अच्छी तरह से ब्रेक कर लें पीस लें, और जब ये सफूफ बन जाए तो फिर पहले के आपका जो नुस्खा है वो तैयार है। और कमर दर्द के जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम, गर्मियों में सुबह शाम खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद नीम गर्म दूध के साथ। रिपीट करता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे दूध के साथ, और साथ में पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करेंगे। और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपने चलना फिरना है, लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, चलते फिरते रहना, तो इंशाल्लाह इससे आपका जो कमर दर्द का जो मसला है वो जाता रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो, ये था आज का नुस्खा आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया है। तो लास्ट पे आपके साथ एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज हमारे माशरे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारी के शिकार हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि हमारे जो बीमारियाँ हैं हम उनसे रिलीफ क्यों नहीं हासिल कर पाते, हमने उनसे छुटकारा क्यों नहीं हासिल हो पाता, आखिर उनकी क्यों कौन सी ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से हम उन बीमारियों से छुटकारा हासिल नहीं करते, बीमारियाँ होती कैसी, जैसे शुगर है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ दोस्तों के सरार पर मैं अपने फ्रेंड्स, अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूवर्स, अपने मेरे जो नाज़रीन हैं उनके इसरार पर मैं शुगर के टॉपिक के ऊपर एक जो वीडियो है वो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें बताया जाएगा कि शुगर होती कैसे, शुगर की असल जो वजह है वो है क्या, वो किस तरह से होती है, शुगर से हम कैसे बच सकते हैं, शुगर से हम हमेशा के लिए छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, शुगर की जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करने के बावजूद हमारी शुगर मेंटेन बैलेंस क्यों नहीं होती, शुगर की जब मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं तब तक ठीक रहता है, जब छोड़ देते हैं जब उसका असर ख़त्म हो जाता है वो फिर से शुगर हमारी हाई लेवल पर क्यों चली जाती है, क्योंकि इस सारे जुमलों टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो आपका और मेरा साथ यहीं तक था, तो फिर मानला अब तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो दुरान गुफ्तगू अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, आपको कोई देर आजारी हुई हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माजर खा हूँ। तो फिर मानला अस्सलाम वालेकुम।